दिल्ली. अब मेरे साथ में है वेरी फेमस सिंगर अभिजीत सावंत, जो दिल्ली ड्रैगन्स के लिए खेल रहे हैं इस बार BCL में. और सिंगिंग और क्रिकेट कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? मुझे तो बहुत मज़ा आता है. क्रिकेट तो आई थिंक इंडियंस के खून में है. हमें कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि क्रिकेट हर एक हिंदुस्तानी के दिल में बसा हुआ एक यू नो बसी हुई चीज़ है. इस बार टीम में क्या नया होने वाला है? इस बार बहुत सारे नए प्लेयर्स हैं. मैं तो फर्स्ट दिन से दिल्ली ड्रैगन के साथ रहा हूँ. फर्स्ट सीज़न भी था, सेकंड सीज़न भी था, अभी ये थर्ड है. और थर्ड सीज़न में बहुत सारे नए लोग आए हैं, कुछ पुराने निकले हैं बाहर. तो जो वाइब है वो थोड़ी फ्रेश है, अलग भी है. और यू नो हम लोग कोशिश चल रही है कि यू नो इसको एक टीम की तरह, एक फैमिली की तरह बना के और अच्छा खेलने का प्रयास करें. अभिजीत, व्हाट डू यू थिंक कि इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं, BCL टाइप के जो चीज़ें हैं, ये एक्टर्स को किस तरीके का स्कोप देते हैं? आई थिंक ये एक बहुत बड़ा अच्छा ब्रेक है फ्रॉम देयर रूटीन वर्क जो रेगुलर चल रहा है. यू नो दे आर एवरीबॉडी आर वर्किंग. मैं तो एक सिंगर हूँ, म्यूजिशियन हूँ, तो मेरा जो काम करने का तरीका है वो बहुत अलग है. बट ज़्यादातर एक्टरों का की लाइफ जो है वो बहुत रूटीन बन गई है. दे आर ओनली वर्किंग फॉर 12 hours, 13 hours, यू नो घर जाते हैं, वापस नेक्स्ट डे शिफ्ट होता है. सो वहाँ से एक अच्छा ब्रेक मिल गया. एट द सेम टाइम दे आर नॉट ऑफ टू टेलीविजन, यू नो. So that is working for them actually. And ये भी बात है कि इसमें क्योंकि सिंगर्स भी हैं, एक्टर्स भी हैं, हर उसके इंडस्ट्री के लोग हैं, तो कोपअप बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता होगा, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होती है. हाँ, क्योंकि देखिए क्या है कि हम लोग सब अपनी अपनी जगह पर अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं. एज अ यू नो हम लोग अगर म्यूजिशियन है या सिंगर है तो वो अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं. एक टीवी एक्टर अलग से काम कर रहे हैं, एक फिल्म एक्टर अलग से काम कर रहे हैं. बट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स एक्चुअली एवरीबडी इज़ कमिंग टुगेदर एंड और सब मिलकर कुछ कर रहे हैं और उसमें लगे हैं. तो इट्स अ वेरी गुड गेट टुगेदर ये आल्सो इवेंट आल्सो. आपसे पूछे हैं कि टीम की बैकबोन कौन है, तो हु विल यू से? टीम के बैकबोन हमारे स्पॉन्सर्स हैं. दिस वाज रियली वेरी नाइस आंसर. तो दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट. बट यस, आदेश है, आदेश चौधरी जो टीम के कैप्टन है और एक ऑलराउंडर प्लेयर भी है. सो ही इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आई थिंक फॉर आर टीम. इस बार कोई स्ट्रैटेजी है दिल्ली ड्रैगन्स की? स्ट्रैटेजी यही है कि जो नए लोग आए हैं उनको बहुत जल्दी से जल्दी यू नो एक टीम बनाकर खिलाया जाए, और जो निकले हैं उनसे ज़्यादा हर्ट ना हो या उनकी वजह से ज़्यादा टीम को प्रॉब्लम ना आए. थैंक यू सो मच अभिजीत, एंड वी रियली होप कि दिल्ली ड्रैगन्स इस बार फिर से जीतेगी. Thank you. I hope so. Thank you.